भारत में आदि लोगों की संख्या जनगणना का मूल आधार है, तो हम सब लगातार समाजवादी लोग चर्चा करते रहे हैं कि इस गणना को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। देश राज्य के दर्जा हानों की मांग रही है। भारत में आदि लोगों की संख्या जनगणना का मूल आधार है, तो हम सब लगातार समाजवादी लोग चर्चा करते रहे हैं कि इस गणना को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए और इस गणना का जनगणना का एकमात्र कारण होता है कि देश में विभिन्न समुदाय, मनुष्य हो, जानवर हो, उसकी गरीबी हो, अशिक्षा हो, न्यूट्रिशंस हो या जनदर हो, ये सारी चीज़ों की आंकड़े इकट्ठा करके देश की योजनाएं बनती हैं। लगातार योजनाएं बनती रहें, लेकिन उस योजना का विस्तार जो सबसे निचली भारत की इकाई है, गांव, गांव के गरीब या नगरों में भी रहने वाले, खुद पार कर जीवन बिताने वाले, ठेले चलाने वाले या इस देश के आदिवासी और बंजारे लोग, कभी भी इनकी कायदेशी गणना नहीं होती है कि इनके लिए भी कोई योजनाएं तरीके से बन सके। ये ठीक है कि अंग्रेजों के जमाने में गुलाम भारत में 1931 में गणना हुई, उसके पहले भी गणना होती रही, लेकिन उसके बाद धार्मिक आधार पर जनगणना होती है, लेकिन जातिगत आधार पर गणनाएं नहीं होती हैं। ये भी सत्य है, ईसाई हों, मुस्लिम भाई हों, जैनी हों, बौद्धिस्ट हों या इस देश में पारसी और यहूदियों की भी संख्या है, इनमें जातियां नहीं हैं। जातियों के ऊपर भेद इनमें नहीं चलता है। लेकिन जहां तक प्रश्न है, हिंदुस्तान भारत में हिंदुओं या एक धर्म होते हुए भी ये समुदाय जातियों में बटा हुआ। आओ एक और बात मैं बता दे रहा हूं कि विशेष राज्य के दर्जा हम लोग की मांग रही है और विशेष राज्य के दर्जे पर भी हम लोग आपके साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता है ही नहीं। खैर, वो उनका अंदरूनी बहस है, हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस विशेष राज्य के दर्जे पर, जिसमें प्रतिमंडल श्रीमती राबड़ी देवी जी का नेतृत्व में बिहार की सरकार गई थी मिलने और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से भी मांग की थी, इन दो बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के आप कोई भी क्षमा बिहार की जनता से मांगना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। अब पता नहीं आपके डीएनए टेस्ट वाले मामले में क्या आया, हम नहीं जानते हैं, जिसके चलते आपका विश्वास उन लोगों को नहीं है। इन बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट किसी की करने की हैसियत इस देश में नहीं है और बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट आज़ादी की लड़ाई से लेके आज़ादी के बाद दूसरी लड़ाई हो या अन्य लड़ाइयों में टेस्ट हो चुका है कि बिहार जब एक बार हंकार भरता है तो भारत की हुकूमत को बदल देता है। इसलिए आप बिहार की जनता पर भरोसा करिए। कौन डीएनए टेस्ट करता है, कौन यहाँ के राज्य को आगे बढ़ने में बाधा पहुँचाता है, कौन जनगणना में बाधा पहुँचाता है, अरे आप उनके साथ रह करके इन सारी चीजों को नकारिएगा तो इसको धोखाधड़ी के सिवा बिहार की जनता इसको कुछ भी नहीं मानती।